हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको व्रत में सिंघाड़े के लड्डू बनाना सिखाने जा रही हूँ और आइए देखते हैं इंग्रेडिएंट्स। इसके लिए हमें चाहिए एक कटोरी घी, दो कटोरी सिंघाड़े का आटा, दो कटोरी पिसी, बारीक पिसी नहीं दरदरी पिसी हुई चीनी, दो टेबलस्पून कटा हुआ बादाम। तो आइए शुरू करते हैं। आज तेज कर लेंगे ताकि घी हमारी पूरी तरह से जाए। अब हमारा घी हल्का सा गर्म हो जाएगा तो हम इसमें डालेंगे सिंघाड़े का आटा। दो कटोरी सिंघाड़े का आटा हमने लिया है और आंच को हल्का सा मीडियम करेंगे ताकि हमारा आटा जले ना। उसको हम लोग मिलाना शुरू करेंगे। हम अपने इस सिंघाड़े के आटे को और घी को 10 से 10 मिनट तक लगभग भूनेंगे और आंच हमारी एकदम मीडियम ही रहेगी। 2 मिनट बाद हमारा देखिए आटा हल्का हल्का रेडिश होने लगा है और ये घी भी छोड़ने लगा है। कंटिन्यूसली चलाते रहेंगे नहीं तो नीचे से ये लग जाएगा और काला हो जाएगा। और अब देखिए 5 से 6 मिनट के बाद अब इसका रंग ऐसा हो गया है। अब ये ऑलमोस्ट तैयार होने वाला है, भुज गया है और इसको बस 2 मिनट और भुज के हम लोग निकाल लेंगे थाली में। फिर इसमें हम लोग चीनी मिलाएंगे। अब मैंने थाली में अपने आटे को पलट लिया था और 15 मिनट बाद अब ये ठंडा हो चुका है। उसके बाद हम लोग इसमें मिलाएंगे दरदरी पिसी हुई चीनी। ये बादाम है, अगर हम चाहें तो इसमें बादाम डाल सकते हैं। अपने इच्छा अनुसार हम लोग जो भी मेवा ड्राई फ्रूट्स और ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। बादाम भी एकदम ऑप्शनल है, अगर ड्राई फ्रूट्स आपको न पसंद हो तो बिना ड्राई फ्रूट्स के भी ये बहुत ही बढ़िया स्वाद लगता है। अब इसको दोनों हाथों से हम लोग अच्छे से मिला लेंगे जैसे हम लोग कोई आटे का या दूसरी चीज़ का लड्डू मिलाते हैं। अच्छी तरह से मिलाने के बाद इसको हम लोग देख लेंगे कि एक बाइंड हो रहा है कि नहीं अच्छे से, बहुत ही बढ़िया से बाइंड हो रहा है। बादाम इसमें मैंने इसलिए मिलाया है क्योंकि बादाम प्रोटीन रिच फूड है। ऐसे हम लोग छोटे छोटे इसके बॉल्स बना लेंगे और देखिए एक हाथ से मैंने बनाया है। इसको ऐसे से चिकना कर लेंगे, थोड़ा ऐसे करने से ये चिकने हो जाते हैं। देखिए इसमें बादाम के हल्के हल्के स्लाइसेस दिख रहे हैं। इसी तरह हम लोग सारे बना लेंगे। अब ये लड्डू रेडी है और इसे आप खा के देखिए। और प्लीज़